नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दाओ इंजीनियर स्टेट में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड की। बेसिकली GSPL से इसको जाना जाता है। तो बेसिकली कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट पेश किया है, तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या आया है रिजल्ट के अंदर। एक्चुअली ये डाटा लाख्स में दिया हुआ है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ, ईजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिकली पिछले क्वार्टर में क्या किया था कंपनी ने, 588 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था पिछले क्वार्टर में, जबकि इस क्वार्टर में 471 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया। जी हाँ, वहाँ से देखें तो एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है शेयर के रिवेन्यू के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 18% के आसपास का डाउन साइड देखने को मिला है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर शेयर के रिवेन्यू के अंदर। लेकिन अगर पिछले साल की बात किया जाए तो उस समय 576 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया था, उसके मुकाबले भी देखें तो वही अप्रॉक्सीमेटली 18-20% के आसपास का ड्रॉप साइड देखने को मिला है रिवेन्यू के अंदर, साल तो साल क्वार्टर ऑफ क्वार्टर दोनों। तो अगर देखा जाए तो रिवेन्यू के अंदर साल दर साल और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर 18% के आसपास का डाउन साइड देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल क्या बन गया है, सबसे मेन चीज़ वो है जिससे पता चलेगा कि शेयर का मोमेंटम आगे की ओर रहेगा या पीछे की ओर रहेगा। तो बेसिकली देख लीजिए, जैसा कि आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया था, 327 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। ये बहुत अच्छा डाटा मुझे देखने को लग रहा है, इसलिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में किस लिए। बेसिकली पिछले क्वार्टर में 327 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था, इस क्वार्टर में 248 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ भी एक थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास का यहाँ भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है शेयर के प्रॉफिट के अंदर, जबकि पिछले साल भी देखें तो 247 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उस हिसाब से देखें तो साल दर साल रिवेन्यू 18% के आसपास का गिरा है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर फ्लैट है। अगर आप देख रहे हैं प्रॉफिट फ्लैट है साल दर साल, लेकिन रिवेन्यू 18% गिरा है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। इसलिए अच्छी बात हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रिवेन्यू गिरा के, मतलब रिवेन्यू 18% गिरा के अगर आपका प्रॉफिट अभी भी कॉन्स्टेंट है तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। क्योंकि इस बार अगर 18% अगर फ्लैट रिवेन्यू होता तो शेयर के प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिलता। तो वो तो हाइपोथेटिकल बात हो गई, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे बन के आया ये कि 18% रिवेन्यू गिरने के बाद भी साल दर साल कंपनी ने अपना प्रॉफिट फ्लैट दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये रही कि कंपनी के क्वार्टर ऑफ क्वार्टर एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, वो इसलिए भी देखने को मिला है क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी गिरा हुआ है, इस कारण से रिवेन्यू के अंदर दबाव देखने को मिला तो प्रॉफिट के अंदर भी दबाव देखने को मिला। लेकिन जो मैं बताने वाला था वो ये चीज़ है कि आप देखिए, एक कंपनी जो मतलब 471 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही है, आप देखिए एक कंपनी जो 471 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही है और उसका प्रॉफिट बन रहा है 248 करोड़, ये छोटी बात नहीं है। 50% का मार्जिन प्रॉफिट, ये बहुत कम ऐसी कंपनी होती है जो 50% प्रॉफिट लेके जाती है। आप मुझे बताइए, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, निफ्टी 50 के कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता होगा। 50% का प्रॉफिट, आप समझिए 100 रुपया का आप सामान बेच रहे हैं तो 50 रुपये आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये कंपनी का ऐसा नियम है। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है। मुझे लगता है कि ये रिजल्ट को देख के ये जो कंपनी का कारोबार है, ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, ज़रूर है कि थोड़ा सा इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू के अंदर दबाव देखने को मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस दबाव को, मतलब प्रॉफिट कुछ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अभी भी, मतलब 428 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करने के बाद भी अगर प्रॉफिट 248 करोड़ है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास शेयर है तो आपको बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शेयर है जिसमें बने रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि देखिए ओवरऑल देखिए 4.39 रुपये का EPS था पिछले साल, अभी 4.40 रुपये का, तो साल दर साल कोई फर्क पड़ा गया नहीं पड़ा। पिछले क्वार्टर में क्या था, 5.80 रुपये का, अभी 4.40 रुपये का, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन अगले क्वार्टर में फिर से कंपनी रिकवर कर लेगी, ये तो क्लियर है, कंपनी रिकवर कर लेगी। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या बने रहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपके पास शेयर है तो बने रहिए, क्योंकि ऑलरेडी शेयर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। शेयर का जो 52-week हाई है वो अप्रॉक्सीमेटली है 390 रुपये के आसपास, शेयर अभी चल रहा है 300 रुपये के आसपास, ऑलरेडी 30% डिस्काउंट पे शेयर आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास शेयर है तो बने रहिए, टेंशन की बात नहीं है, आप होल्ड कीजिए, रह सकते हैं शेयर के अंदर। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।